हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसमिशन लाइन पे जो है आपने कहीं ना कहीं जो है एक बॉल जो है लटका हुआ देखने को मिला होगा। तो आखिर वो बॉल जो है किस लिए लगाया जाता है, यानी कि क्या पर्पस है और उसका क्या काम है। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आपको जो है इसके बारे में एक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट क्रिएट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो बॉल है इसका दो तीन नाम है। पहला जो है वो है एरियल बॉल, एरियल मार्कर बॉल और विजिबल मार्कर बॉल। तो कहीं भी अगर आपसे एक तीनों में से कोई भी अगर आपसे पूछे तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होने वाले विजिबल मार्कर बॉल या फिर एरियल मार्कर बॉल के बारे में जो है पूछा जा रहा है। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा ये जो मार्कर बॉल है यानी कि ट्रांसमिशन लाइन पे जो मार्कर बॉल का यूज़ होता है ये कौन कौन से प्लेस में यूज़ होता है। तो आप जो है इसे कोरिलेट करके बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइस बेसिकली ये जो मार्कर बॉल है ये मार्कर बॉल आपको जो है हिली एरियाज में देखने को मिलेंगे और दूसरा जहाँ पर एयरपोर्ट है उसके अगल बगल के जो ट्रांसमिशन लाइन है उस जगह में आपको ये मार्कर बॉल जो है ट्रांसमिशन लाइन पे यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो एयरक्राफ्ट यानी कि जो हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन्स उस जगह से पास होते हैं तो उन्हें जो है बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि आगे जो है ट्रांसमिशन लाइन रहने वाला है। तो गाइस अगर हम लोग ये मार्कर बॉल का यूज़ नहीं करते तो इससे प्रॉब्लम ये होता कि ये जो हाई स्पीड में हमारे एयरक्राफ्ट्स आते हैं तो वो जो है उनसे टकरा सकते हैं, इनसे जो है बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो एज ए मार्कर के हिसाब से यानी कि ट्रांसमिशन लाइन जो है ट्रांसमिट किया गया इस जगह हमारे एयरक्राफ्ट वाले को जो है दूर से ही पता चल जाता है और एक सेफ जर्नी जो है वो आगे सभी लोगों को लेके जा सकता है। अब गाइस आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हमारा जो नेचर है वो तो बदलता रहता है, तो जब एक कुआसा टाइप का जब रहता है तो उस टाइम तो उसे दिखाई नहीं देगा तो वो कैसे समझ पाएंगे। तो आज के टेक्नोलॉजी के टाइम पे जो है ये कुआसा वाले जिस एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुआसा होता है यानी कि जहाँ पर फॉग जो है बहुत ज़्यादा होते हैं उस जगह में जो है ये एरियल मार्कर बॉल या फिर विजिबल मार्कर बॉल पे जो है लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि उन्हें जो है दूर से ही पता चल सके कि एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। और गाइस ये जो बॉल यूज़ होता है ये बॉल में जो है अंदर कुछ नहीं रहता है, वो जो है पूरा अंदर से जो है एक कॉम्पैक्ट बॉक्स का तरह होता है और उसे जो है ट्रांसमिशन लाइन पे लगाया जाता है। और ये बेसिकली जो है दो कलर के हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो है हमारा रेड और येलो। तो गाइस मैंने अभी आपको जो भी बताया ये जो है विजिबल मार्कर बॉल या फिर एरियल मार्कर बॉल जो भी आप बोलिए इनसे रिलेटेड है, आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।